महानगर में देवशिला यात्रा के पहुंचने के बाद महानगर के मोहद्दीपुर चौराहे पर देवशिला का भव्य स्वागत हुआ। देर रात गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे शालिग्राम पत्थर का स्वागत करते हुए गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन मंदिर के तुलसीपुर के महंत योगी मिथिलेश नाथ तथा अन्य संतों ने स्वागत किया। गोरखनाथ मंदिर में देवशिला यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। बुधवार को सीएम योगी देवशिला यात्रा को गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। मंगलवार की देर रात महानगर में कड़ी सुरक्षा के बीच देवशिला यात्रा के पहुंचते पर हजारों की संख्या में लोगों ने शालिग्राम की शिला पर मत्था टेका और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं शिला को देखने के बाद उनकी भक्ति में सराबोर और लोगों ने खूब उत्साह के साथ नाचा और लगातार जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़कों पर दिखते नजर आए। शिला यात्रा मोहद्दीपुर चौराहे से होकर गोरखपुर विद्यालय चौक, रेलवे बस स्टेशन, धर्मशाला होते हुए गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ था। लोग उनके दर्शन के लिए ललायत थे और पीछे पीछे भाग रहे थे, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि नेपाल का भारत के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। माता जानकी भी नेपाल राष्ट्र की थी। उन्होंने बताया कि नेपाल राष्ट्र की तरफ से जब राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया, तब राम जन्मभूमि क्षेत्र के लिए वहां से कुछ देने की परंपरा थी कि हम अपनी बेटी के घर पर कुछ दें। तब उन्होंने दो बड़ी शिलाओं का चयन किया जो 600 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाएं हैं, जहां से भगवान शालिग्राम का उदय होता है। उस काली गंडक नदी की यह शिलाएं हैं, जिसमें एक शिला से भगवान श्री राम के बाल रूप का विग्रह बनेगा और वहीं दूसरी शिला से माता जानकी का विग्रह बनेगा। आगे उन्होंने बताया कि यह शिला आज जनकपुर से गोरखपुर की धरती से होते हुए अयोध्या के लिए जा रही है। जनता का भारी उत्साह है। लोग पूजन अर्चन करने के लिए भारी संख्या में सड़कों पर खड़े हुए हैं और शिला का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह श्रद्धालुओं ने बताया कि बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम इस देव शिला का आज दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु अनुपमा पांडे, छाया कुमकुम सिंह और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, चंद्र की जय, माता जी।
बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान के जन्म भूमि के जन्म भूमि के जय श्री राम अनुपमा पांडे। ये हिंदुओं के आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की बहुत दिनों से हम लोग जैसे धारा हटा उसकी प्रसन्नता हुई, राम जन्मभूमि विवाद खत्म हुआ और प्रभु श्री राम की मंदिर में उद्धार हो रहा है। और यह गंडक नदी से शालिग्राम की जो आधारशिला निकाली गई है ये आपके नेपाल के रास्ते होते हुए बिहार होते हुए हमारे गोरखपुर में आ रहा। परम सौभाग्य है कि हम उस आधारशिला को देख पाएंगे और ये महसूस कर पाएंगे। और कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे ही गोरखपुर से, जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस कस्बे में हम रहते हैं, इस जगह से यह शिला तक जा रहा है। हम सभी धन्य धन्य है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है कि हम प्रभु श्री राम के तरासे जाने वाली प्रतिमा, जिसमें प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनेगी, उसको पहले ही स्पर्श कर सकेंगे और उस प्रतिमा को प्रणाम कर सकेंगे, आशीष ले सकेंगे। और हमारी आस्था, हमारा विश्वास प्रभु श्री राम के पावन धरा पे जाने से पहले हम सभी के इस गोरखपुर से जाएगा। कुमकुम सिंह, ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे पहली ये प्रतीक है। बहुत खुशी की बात है कि वो शिला आ रही है जिससे हमारे प्रभु के मूर्ति बनेगी। दूसरी बात, ये हमारे महंत जी का, महंत अवैद्यनाथ जी का ये सपना था, आज वो सपना साकार हुआ। उन्होंने ये शुरुआत की थी, उनकी ये सोच थी और वो आज काम पूरा होने जा रहा है। आज जगह जगह पर उनके दर्शन के लिए लोग उत्सुक हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिंदू धर्म का ये पूरा हुआ है और दो शिला यहाँ से होते हुए अयोध्या निकले। छाया देवी बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और जैसे सेवरी रामायण में लिखा गया ना, उसी तरह हम लोग भी सुबह से ही बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब आए यात्रा और हम लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए, नेपाल राष्ट्र वर्षों से भारत का मैत्री राष्ट्र रहा है और पहले वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। मां जानकी नेपाल राष्ट्र की थी, तो नेपाल राष्ट्र की तरफ से राम मंदिर निर्माण के कार्य को जब प्रारंभ किया गया तो राम जन्मभूमि क्षेत्र के लिए वहां से कुछ देने की परंपरा थी कि हम अपने बहुत बेटी के घर पर कुछ दें। तो उन्होंने दो बड़ी शिलाओं का चयन किया जो जिनका जियोलॉजिकल जब सर्वे किया गया तो 600 करोड़ वर्ष पुरानी वो दो शिलाएं हैं। दो शिलाएं हैं जो शालिग्राम, जिस नदी से निकलते हैं भगवान शालिग्राम का, जहां से उदय होता है, उस नदी की, वो गंडक नदी की शिलाएं हैं, काली गंडक की, और उनका चयन किया गया जिसके एक के द्वारा एक से भगवान श्री राम जी का बाल रूप का विग्रह बनेगा, एक से माता जानकी का विग्रह। वो शिलाएं आज जनकपुर से और गोरखपुर हम इस धरती से होते हुए अयोध्या जी के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे आम जनता का उत्साह देख रहे हैं, पूरे राष्ट्र में हम लोग को यही उत्साह मिला है। जनता सड़कों पर आई है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन शिलाओं को एक बार छूना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं और ये दिखाता है कि पूरे राष्ट्र में राम है और पूरा राष्ट्र राम का है।